हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, तो आपके गुड न्यूज़ है। एम कॉम पार्ट वन सेमेस्टर वन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर आप देख सकते हो। आप कैसे चेक करना है तो आपको ये लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो मैंने लगाई है, तो आपके सामने कुछ ऐसे पेज ओपन होगा। फिर इसको आपको स्क्रोल डाउन करना है, नीचे 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 जब आप आओगे तो आपके पास आ जाएगा सीरियल नंबर 56। अब आप देख सकते हो सीरियल नंबर 56 पे लिखा हुआ है जो बच्चे क्लियर हो गए उनका, और नीचे जो लिखा हुआ है हेड, तो उन्होंने मे बी रॉन्ग बबलिंग की होगी, इस वजह से इनका फेल नहीं है ये, बट इनका रिज़ल्ट होल्ड किया गया। तो पैनिक मत होइए, अगर आपका रिज़ल्ट रिजर्व में दिखा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक की, बट आप फेल नहीं हो। ओके, और अब हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट को चेक कैसे करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो पहला सब्जेक्ट जो है वो पहले जो सब्जेक्ट दिया है वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है। दूसरे नंबर पे आपको बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजन दिया हुआ है, और थर्ड पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दिया हुआ है, और चौथे नंबर पे जो दिए हैं मार्क्स वो बिजनेस एथिक्स के हैं। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, पहले नंबर पे आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मार्क्स डिस्प्ले किए गए हैं, दूसरे नंबर पे जो मार्क्स दिए गए हैं वो इकोनॉमिक डिसीजंस के हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के हैं, और थर्ड जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, और जो फोर्थ नंबर पे है वो आपको बिजनेस एथिक्स के। ऑल द बेस्ट एवरीवन, पास हुए तो वेरी गुड, फेल हुए तो कोई गम नहीं, फिर से एग्ज़ाम दे देंगे। तो बी हैप्पी, चीयर फॉर योर सक्सेस। थैंक यू, सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। प्लीज शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।